हे पीपल, वेलकम बैक टू टिक टू बिजनेस चैनल, यूट्यूबर्स के लिए टिप्स। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूबर्स के लिए क्या टिप्स देने वाला हूँ। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हो और आपको कुछ नया थॉट इस बारे में आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं इस वीडियो में आपको 2022 में आने वाले मार्वल्स के मूवीज के बारे में नहीं बताऊंगा, ऑब्वियसली मैं बताने वाला हूँ यूट्यूब के रिलेटेड थोड़े टिप्स के बारे में। सो सबसे पहले जो दूसरे यूट्यूबर्स बताते हैं ये मुझे भी बताना जरूरी है, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और टैग्स को सही से यूज करो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। नेक्स्ट, अभी मैं इसमें अपने थॉट्स बताने वाला हूँ। मैंने कोई गूगल सर्च नहीं किया और ना ही कोई यूट्यूब वीडियो देखकर बोल रहा हूँ, ये सब मैं लॉजिकली यूट्यूब के एल्गोरिदम को बताने वाला हूँ। और एंडिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, जाने से पहले वो जरूर से सुनकर चाहिए। सो फ्रेंड्स, हर यूट्यूबर को ये डाउट्स आते हैं कि वीडियो का लेंथ 5 मिनट से ज्यादा और बिलो 10 मिनट्स होना सही है या नहीं, और वीडियो के लिंक को शेयर करना सही है या नहीं। बस मुझे ये दो ही याद हैं। अगर आपको कोई नया डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए। सबसे पहले हम बात करते हैं वीडियो का लेंथ के बारे में। वीडियो का लेंथ कितना होना चाहिए? बिलो 4 मिनट्स। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप ये सोच रहे हैं कि वीडियो का लेंथ तो 5 मिनट से ज्यादा और 10 मिनट से बिलो होना सही है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं लॉजिकली समझाने वाला हूँ और मैं बिना किसी गूगल सर्च के बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, लॉजिकली जाएंगे तो सब पर एक नशा चढ़ा हुआ है, वो है टिकटॉक। हाँ फ्रेंड्स, जब से टिकटॉक आकर गया है उस वक्त से सब लोग वीडियो को लेंथी देखना पसंद नहीं करेंगे, सब सिर्फ शॉर्ट में देखना पसंद करते हैं और वीडियो में ज्यादा बकवास सुनना भी पसंद नहीं करते। और सबको पता है YouTube को भी TikTok का नशा चढ़ा है, इसीलिए YouTube Shorts का न्यू फीचर्स आया है, इसीलिए वीडियो को बिलो 4 मिनट्स होना जरूरी है। इसके दो कॉन्स भी हैं, व्यूज ज्यादा आएंगे लेकिन वॉच आवर्स लेट से कंप्लीट होगा, और अगर आप इतने कम समय में सब अच्छे से समझा दिए तो चांसेस है कि सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे। नंबर 2, अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक पर, वीडियो के लिंक को शेयर करना सही है या नहीं। ये डाउट ऑलमोस्ट सब यूट्यूबर्स को आता होगा। सो अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि वीडियो के लिंक को शेयर मत कीजिए। ऐसा क्यों? देखिए, यूट्यूब स्टूडियो के एनालिसिस में आप सब देख सकते हैं वीडियो पर व्यूज किस प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, वीडियो किस जगह से आ रहे हैं और कौन से एज वाले वीडियो देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ रिकॉर्ड होता है। सो लॉजिकली समझिए, अगर व्यूज यूट्यूब के ओन प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो यूट्यूब वाले का फायदा होगा। और आप ये सोच रहे होंगे कि किसी और प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम या ट्विटर को छोड़कर यूजर्स यूट्यूब पर आएंगे तो यहाँ भी यूट्यूब वाले का ही फायदा होगा ना? बिल्कुल होगा, लेकिन यहाँ आपका नुकसान होगा। ये कैसे? चलिए पता कर लेते हैं। अगर यूट्यूब आपके वीडियो को सजेस्ट करे तो वो सिर्फ उस वीडियो के रिलेटेड जो भी यूजर्स हैं सिर्फ उन्हीं से शेयर करेगा, और ज्यादा उस बारे में जो लोग सर्च करते हैं सिर्फ उन्हीं को सजेस्ट करेगा। मतलब YouTube के सजेशंस में जो यूजर आपका वीडियो देखेगा वो लॉजिकली वीडियो को एंड तक देखने के चांसेस हैं। सो इससे आपका वीडियो के इम्प्रेशंस बढ़ेंगे और ऐसे ही YouTube सजेस्ट करता जाएगा दूसरे यूजर्स को भी। सो यहाँ मेन बात याद रखिए, वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट अच्छा होना जरूरी है। अगर Instagram या Twitter पर आप हैशटैग्स को यूज करके लिंक को शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली वहां से यूजर्स YouTube पर आएंगे, लेकिन यहाँ चांसेस ज्यादा है कि यूजर वीडियो को एंड तक नहीं देखेगा, क्योंकि YouTube सिर्फ उसी को सजेस्ट करेगा जो उस बारे में ज्यादा वीडियोस देखता हो या उसके बारे में रिसर्च करता हो। सो Instagram या Twitter पर लिंक्स को शेयर करने से वीडियो के इम्प्रेशंस डाउन होने के चांसेस ज्यादा हैं, याद रखिए। लेकिन अगर आप Instagram या Twitter या किसी भी प्लेटफॉर्म पर थंबनेल को शेयर करके कैप्शन में लिंक इन बायो ऐसा बताने से जो यूजर उसमें इंटरेस्ट रखता है वो जरूर आपके चैनल के बायो तक जाके वीडियो को देखेगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह और भी बहुत से डाउट्स सबको आते होंगे, उन सभी डाउट्स को कमेंट्स में शेयर करो, आने वाले वीडियोस में उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। और मैंने शुरू में बताया था लास्ट इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, वो बात ये है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।